नेपाल टी ट्वेंटी लीग से रिलेटेड छह की छह टीम्स की जो स्क्वाड है जी हाँ वो आ चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर लोकल प्लेयर्स की, यानी जो नेपाल के प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो पूरी आ चुकी है और उसी स्क्वाड को लेकर आपके सामने हाजिर है। फॉरेन प्लेयर्स की जो है अभी भी ड्राफ्ट चालू है, जब अभी वीडियो बना रहे हैं इस वक्त उसमें भी ड्राफ्ट चालू है, उम्मीद है कि उसका भी आ जाएगा, जैसे ही आएगा उसके बाद में आपको अपडेट जरूर देंगे। लेकिन इन छह टीम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी टीम है और उनकी जो नेपाल प्लेयर्स की जो स्क्वाड है, नेपाली प्लेयर्स स्क्वाड में है वो कौन कौन? बिल्कुल, सबसे पहले टीम की बात करें काठमांडू गोरखास की, जी हाँ, तो सबसे पहले उनके टीमों को देखें, ज्ञानेंद्र मल्ला, जी हाँ, लोकेश बाम, बसीर अहमद, कमल सिंह ऐरी, अविनाश भोरा, अनिल खरेल, सौरभ खानल, संदीप रिजल, संतोष कार्की और सुनम गौतम एंड गौतम केसी, ये 10 जने जो हैं ये काठमांडू गोरखास में नेपाली प्लेयर्स शामिल हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर्स हैं ये काठमांडू गोरखास के लिए नेपाल की तरफ नेपाली प्लेयर्स जो है वो शामिल है और जो फॉरनर प्लेयर्स इतने इंक्लूड होंगे वो उसके साथ आएंगे, जिसके अपडेट में आपको जरूर देंगे। खैर, उसके बाद अगली टीम की बात करें तो वो आ जाती है लंबिनी ऑल स्टार्स। लंबिनी ऑल स्टार्स जो इनकी जो स्क्वाड है उसमें जितने भी नेपाली प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बता दें, दीपेंद्र सिंह ऐरी, अनिल शाह, कुशल भुरतैल, जी हाँ इसमें आ चुके हैं, कुशल और दीपेंद्र सिंह ऐरी की टीम में, गुलशन झा, सागर ढकल, योगेंद्र कार्की, किशोर महातो, एक अच्छे पेसर यहाँ पर मौजूद हैं, तिलक राज भंडारी, सुनील धमाला, आकाश चंद्र एंड पांडे सिंह, जी हाँ, तो ये लुम्बिनी ऑल स्टार्स की जो है जितने नेपाली प्लेयर्स है वो इस लिस्ट में शामिल थे, उसके इसमें फॉरनर प्लेयर्स भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद अगली टीम कौन सी? बिल्कुल, अगली टीम की बात करें तो जनकपुर रॉयल्स, जी हाँ, जनकपुर रॉयल्स ये टीम है, तीसरी टीम है जनकपुर रॉयल्स। और प्लेयर्स की बात करें तो सोमपाल कामी, संदीप जोरा, आदिल आलम, जी हाँ यहाँ पर आदिल आलम साथ खेलते हुए नजर आएंगे, दिलीप नाथ, ललित राजवंशी, सुशांत भारी स्पिनर, सागर पुन, पवन शराफ, जितेंद्र मुखिया, खड़क भोरा एंड राजेश गुलामी। बिल्कुल, राजेश गुलामी में आपको नाम याद आ गया, जरूर याद आ गया, चलिए जब भी स्क्वाड सब आ जाए एक साथ, फॉरनर्स वगैरह की सब कुछ लिस्ट एक साथ आ जाए तो उसके बाद स्क्वाड एनालिसिस शुरू करेंगे कि किन की कितनी स्ट्रांग लग रही है वगैरह वगैरह, किन के पास क्या चीज ज्यादा है, क्या चीज कम है, कैसी कैसी सब कुछ डिस्कस करेंगे, भाई अगर शिफ्ट की तरफ से ली है प्रमोट करना तो पूरी तरह से बनता है। खैर, उसके बाद चौथी टीम की यहाँ बात करें तो पोखरा एवेंजर्स, यहाँ पोखरा एवेंजर्स इनकी इनके जो नेपाली प्लेयर्स हैं इनके स्क्वाड में उनकी बात कर ले तो आसिफ शेख, जी हाँ आसिफ शेख आपके फेवरेट, उसके बाद शरद वैसवेकर, चलिए बहुत अच्छे प्लेयर, कुशल मल्ला, प्रतीश जीसी, आरिफ शेख, दोनों भाई एक ही साथ एक ही टीम में है, पोखरा एवेंजर्स उस टीम का नाम है, तुल बहादुर थापा, जी हाँ, उसके बाद विशाल विक्रम केसी, कृष्ण कार्की, विपिन खत्री एंड सुमित महाराजन, जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं पोखरा एवेंजर्स की जो स्क्वाड है उसमें जितने नेपाली प्लेयर्स हैं वो ये सब मौजूद है। जैसे हमने पहले आपको बताया और प्लेयर्स का भी चल रहा है, जैसे उनका भी आएगा उसकी अपडेट भी आपको जरूर देंगे जब हम वीडियो बना रहे हैं तब चल रहा है। खैर, पांचवी टीम कौन सी? बिल्कुल, पांचवी टीम की बात करें तो फार वेस्टर्न यूनाइटेड, जी हाँ ये पांचवी टीम फार वेस्टर्न यूनाइटेड, इनके नेपाली प्लेयर्स की बात करें तो करण केसी, विनोद भंडारी, जी हाँ, भीम शार्की, देव खनल, यंग प्लेयर्स थोड़े नजर आ रहे हैं, राशिद खान, दुर्गेश गुप्ता, भुवन कार्की, हरिशंकर शाह, जी हाँ, शेर मल्ला, बसंत कार्की और प्रकाश जेसी एंड हासिम अंसार, जी हाँ, तो ये प्लेयर्स जो हैं थोड़ी यंग ब्रिगेड काफ़ी नज़र आ रही है फार वेस्टर्न यूनाइटेड में, इसके बारे में अगला अलग से बात करेंगे ज़रूर। बट लास्ट टीम हमारी बनती है छठी टीम, लास्ट टीम जो है विराट कोहली, जी हाँ, चलिए पांच टीमों की बात हो गई, हमने कहा स्क्वाड एनालिसिस जरूर आगे करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कितने यंग के पास है, कितना क्या कुछ सबके पास मौजूद है, असला बारूद आप जो भी कह रहे हैं ये कहावत के तौर पे कहा जाता है। लास्ट टीम विराटनगर सुपर किंग्स, अगर उनकी बात करें तो उनमें उनके स्क्वाड में जितने नेपाली प्लेयर्स हैं उनकी बात कर ले, रोहित पौड़ेल, जी हाँ, स्टार्टिंग कैप्टन जो है, अर्जुन सौ जिन्होंने भी केनिया में इंप्रेस किया, नंदन यादव, सहाब आलम, अमर सिंह रौतेल, नारायण जोशी, सूर्य तमांग, प्रदीप ऐरी, पृथु बास्कोटा एंड रीजन ढाकर, बिल्कुल, और ये है और लास्ट नेम है रीजन ढाकर। तो ये जो छह टीम्स हैं इनकी स्क्वाड में जितने नेपाली प्लेयर्स हैं ये सारे अपडेट्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और जो भी फॉरनर प्लेयर्स की अपडेट जैसे ही लिस्ट आती है उसके भी आपके सामने अपडेट जरूर करेंगे। स्क्वाड कैसी है क्या नहीं है, कौन सी हमारी फेवरेट हम एज अ फैन किसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, सारी स्क्वाड एनालिसिस करेंगे एक एक करके कि कौन
कौन सी टीम के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, यहां से कितने बैट्समैन हैं, यहां फॉरेन प्लेयर्स इंक्लूड हो जाएंगे तो ये अच्छे से और समझ में कंप्लीट स्क्वाड हो जाएगी। इनके पास बैट्समैन इसके में कितने हैं, ऑलराउंडर कितने हैं, पिंच हिटर कितने हैं, किनके पास स्पिनर्स की कमी है, किनके पास फेसेस अच्छे हैं, ये सारी इसका एनालिसिस एक एक विकेट पकड़ के लेकर आपके सामने हाजिर जरूर होंगे। जब शेड का लीग है तो प्रमोट फुल ऑन करना जरूर है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करेंगे कि तो इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। जैसे ही फॉरन की लिस्ट आती है प्लेयर्स की वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।